सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी ने नया एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया। सो उस कैलेंडर के बारे में, तो बहुत ही फास्ट एसएससी काम कर रही है। और ये आप कैलेंडर देख सकते हो, जीडी का जो एग्ज़ामिनेशन जनवरी फरवरी में होने वाला है वो वाला दिया हुआ है पहले, तो फिर सीएचएसएल का जिसका फॉर्म भरा चुका है, अभी भी भरा रहा है। सो जिसका फॉर्म भरा चुका है या फिर भरा रहा कह सकते हो, अभी करंटली ओपन है, उसका एग्ज़ाम मार्च 2023 में है। और एमटीएस 2022, ये जो पिछला वाला एमटीएस और सीबीआईसी और सीबीएन में जो हवलदार की पोस्ट थी वो 2021 की चल रही थी, जो अभी चल रही है, और ये 2022 की है। तो उसकी एग्ज़ामिनेशन अप्रैल 2023 में 17 जन से 17 फैब इसका फॉर्म भराएगा। फेज़ 11 आएगा 24 फैब से 17 मार्च, मई जून में उसका एग्ज़ाम है। सीजीएल 2023 बहुत ही मतलब फास्ट है एसएससी इस बार कह सकते हो आप। 1 अप्रैल से 1 मई इसका फॉर्म होगा और जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा। सीएचएसएल 2023 जो आएगा 9 मई से 8 जून फॉर्म भराएगा, और जुलाई अगस्त 2023 में इसका एग्ज़ाम होगा। एमटीएस 2023 का भी यहाँ दे दिया गया, सीबीएसई और सीबीएन में हवलदार भी उसमें होगा, 14 जून से 14 जुलाई तक भराएगा। अगस्त सेप्टेम्बर 2023 में उसका एग्ज़ाम होगा। अगर दोनों को एक साथ ले लेते तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा होता, 22 और 23 का दोनों को एक साथ, लेकिन अब इन्होंने अलग अलग कर रखा है तो अच्छा ही है। सब इंस्पेक्टर जो सीपीओ का फॉर्म होता है दिल्ली पुलिस और फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, वो 20 जुलाई से 13 अगस्त फॉर्म भराएगा। अक्टूबर 2023 में एग्जामिनेशन होगा। जूनियर इंजीनियर ये 26 जुलाई से 16 अगस्त अक्टूबर 2023 में इसका भी एग्ज़ामिनेशन है। स्टेनोग्राफर 2 अगस्त से 23 अगस्त अक्टूबर नवंबर में इसका एग्ज़ाम है। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर वाला जो भी है, 22 अगस्त से 12 सितंबर इसका फॉर्म है 2023 में, और अक्टूबर नवंबर 2023 में एग्जामिनेशन। फिर सेंट्रल सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रेड, ये एलडीसी, ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ामिनेशन है तो इसके लिए आपको देखना नहीं है। ये भी एलडीसी का एग्ज़ाम है, ये भी एलडीसी, ये एलडीसी मतलब ये जो ये सारे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है, ये वो लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सारे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के कैलेंडर्स नीचे दिए गए हैं, जितने भी हैं नीचे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के कैलेंडर दिए गए हैं, ठीक है। ये आज का डेटेड है साइन, और यहाँ पर एक नोट भी दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज डिसाइडेड दैट रिक्रूटमेंट ऑफ एमटीएस सिविलियन इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 एंड रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 विल बी कंडक्टेड बाई दिल्ली पुलिस। इसमें ऐसे पहला क्या था कि हम जब पिछला कैलेंडर देखेंगे ना, तो उसमें दिया हुआ था कि एमटीएस सिविलियन का जो दिल्ली पुलिस में फॉर्म है, और मेल और फीमेल एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टेबल वाला जो फॉर्म है दिल्ली पुलिस का, वो एसएससी करवाने वाली थी। लेकिन अब यहाँ होम अफेयर्स ने डिसाइड किया कि वो एसएससी उसका एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराएगी, वो दिल्ली पुलिस ही खुद से जो करेगी दिल्ली पुलिस ही करेगी। और गाइस, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कैलेंडर आया बट मेंस का कोई भी अभी तक ये नहीं है, सीजीएल का मेंस का कोई भी शेड्यूल डेट नहीं दिया गया, जिसका लोगों बेसब्री से इंतज़ार है। और मतलब एसएससी इतना फास्ट है, आज जब ये कैलेंडर आया उससे एक मिनट पहले जस्ट दिल्ली पुलिस जो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर जो कि AWO और TPO वाला जो फॉर्म था उसका भी रिजल्ट आ चुका है। कल का अगर मैं बात करूँ यानी 29 दिसंबर, तो कॉन्स्टेबल ड्राइवर का रिज़ल्ट आ चुका है। उससे पहले 28 तारीख का बात करूँ अगर मैं, तो हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल जो दिल्ली पुलिस में था उसका रिज़ल्ट आ चुका है। उससे पहले CPO का रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत ही फास्ट एसएससी चल रही है, तो पूरी पूरी चांसेस है कि जनवरी के लास्ट में CGL का भी रिज़ल्ट आ ही जाएगा। CGL में थोड़े ज़्यादा कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिए, बट CGL के अंत में भी मतलब आई थिंक जनवरी के अंत में या फिर ज़्यादा होगा तो फैब का स्टार्टिंग होगा, CGL का मेंस आ जाएगा, मतलब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो काफ़ी फास्ट चल रही है एसएससी, और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फिर कैलेंडर आ गया। अगर इस बार आप CGL नहीं भर पाए हो तो अगला बार भी CGL आप भर सकते हो, और होप कि अगला बार भी अच्छी खासी वैकेंसीज CGL में देखने को मिल सकती हैं, बहुत सारी वैकेंसीज अभी भी खाली हैं। तो और फिर कैडर रीस्ट्रक्चर भी हो रहा है अभी, आपको आपने सुना होगा ऐसा, तो बहुत सारी वैकेंसीज अभी हो सकता है फिल हो, जैसे कि MTS में भी और फिर CHSL में भी और फिर CGL से भी, ठीक है। तो गाइज़, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करो और चैनल से जुड़े रहो।
बिकॉज़ मैं भी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। सो मैंने भी मेरा जो दिल्ली पुलिस का मैंने मिनिस्टर वाला भी एग्ज़ाम दिया था वो मेरा क्रैक हुआ है। एक शॉर्ट्स मैंने डाला भी था और फिर आज असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, तो उसके रिज़ल्ट अभी तक अपलोड नहीं हुए, राइट अप अपलोड हो चुका था। तो राइट अप में मैंने देखा कट ऑफ मेरे रॉ मार्क्स से कम है, तो फिर मतलब मेरा उसमें भी रिज़ल्ट आ ही गया है। अभी तक रिज़ल्ट हालांकि अपलोड नहीं हुआ था एसएससी के वेबसाइट पे, और उससे पहले कैलेंडर आ गया, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ ताकि जल्दी जल्दी लोगों को पता चल जाए। हालांकि ये जो दोनों दिल्ली पुलिस वाले एग्ज़ामिनेशन है उससे ज़्यादा फोकस मेरा एसएससी सीजीएल में है। सीजीएल के प्रीलिम्स में आपको पता होगा मेरा 113 नंबर ऐसे बने हैं, 113.50 मार्क्स रॉ बने, तो देखते हैं क्या होता है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।